501 के लेक्चर सीरीज। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। 17 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे लेक्चर समझ आ गए होंगे और आपके पेपर्स की तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है डिटर्मिनेंट्स की। अपने पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया डिटर्मिनेंट्स के ऊपर कि किस तरीके से हम जो है वो डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीके से। डिफरेंट मेथड होते हैं जिनको यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आज इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज जो हमको याद रखनी होंगी वो क्या है कि सबसे पहले अगर रो ऑपरेशन जो है वो हम कर रहे हो एक स्क्वेयर मैटर के ऊपर तो फिर इफ अ मल्टीपल ऑफ द वन रो ऑफ ए इज एडेड टू अनदर रो, यानी कि अगर जो है वो एक रो का मल्टीपल हम एक की दूसरी रो में ऐड करते हैं द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट विल बी द सेम। यानी कि जो फिर डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आएगा जो सिंपल स्क्वेयर मैट्रिक हमने डिटर्मिनेंट लिया था दोबारा से जब उसके मल्टीपल को किसी दूसरी रो में ऐड कर देते हैं तो फिर भी जो उसका डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास सेम आएगा। फिर क्या होगा कि इफ टू रोज ऑफ ए आर इंटरचेंज टू प्रोड्यूस बी, यानी कि हमने क्या करना है एक बी का मैट्रिक प्रोड्यूस करना है तो ए की दो रोज को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर जो बी के मैट्रिक का हम डिटर्मिनेंट लेंगे वो इज इक्वल टू होगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि जो ए का ऊपर हमने डिटर्मिनेंट लिया वह होगा वो लेकिन यहाँ पे इसके साथ उस आंसर के साथ माइनस आएगा। जैसे कि हमने माइनर और को फैक्टर को पढ़ा है, माइनर जो होता है उसमें हमारे पास आंसर आता है 26। वैसे मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ। और जब हम को फैक्टर निकालते हैं अगर वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो उसका आंसर हमारे पास आता है -26। तो सेम इसी तरीके से जब हम इस रोज को इंटरचेंज करते हैं तो फिर हमारे पास जो बी के डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि वन रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई के टू प्रोड्यूस बी देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के। कोई भी एक आपके पास एक स्केलर है जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक दिया गया होता है और उसके बाहर जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है चाहे वो नंबर हो चाहे वो कोई भी अल्फाबेट हो या कुछ भी हो तो उसको हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो स्केलर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी को प्रोड्यूस करने के लिए तो फिर जो बी का डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा तो वो लेकिन उसके साथ क्या होगा एक स्केलर भी होगा जिसको हम लोगों ने यहाँ पे के कहा है। ठीक है, आई होप सो आपको ये तीनों समझ आ गई होंगी प्रॉपर्टीज इसकी। तो ये हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये ऊपर जो है इसमें ज्यादा नहीं घुसते। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ने फाइंड किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 31 आया है। फिर जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसने कहा था कि इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज कॉलम फर्स्ट विद सेकंड वी गेट द न्यू मैट्रिक। अगर हम फर्स्ट को सेकंड जो यहाँ पे कॉलम है उनको इंटरचेंज कर दें तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट इसका आया वो ही है। ठीक है, आया आंसर क्या है हमारे पास 31 ही, लेकिन इसके साथ क्या आ गया माइनस आ गया, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे इसके ऊपर होल्ड करती है। देन इसके आगे सी जो है इफ वन ऑफ ए इज मल्टीप्लाई के टू प्रोड्यूस बी देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें किसी के को प्रोड्यूस करने के लिए तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको वन को मतलब इसका जब सिंपल इसने डिटर्मिनेंट लिया है तो क्या आया यहाँ पे हमारे पास 22 आया है। मल्टीप्लाई आर वन बाई के वी गेट से, यानी कि जो आर वन थी उसको इसने मल्टीप्लाई किया है के के साथ तो के के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसका डिटर्मिनेंट लिया है तो चीज वही आई है। ठीक है, आया हमारे पास 22 ही है लेकिन 22 के हमारे पास कोई भी साथ में इसका एक स्केलर आ गया है। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें हमारे पास मैट्रिक बड़ा है, इसमें क्या है 1 2 3 4, फोर हमारे पास रोज हैं और फोर हमारे पास कॉलम है, 4 बाय 4 का मैट्रिक आ गया। तो इसको अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके ऊपर कर देंगे रिड्यूस कर देंगे इसको, यहाँ पे हमने 0 बना लिए। फिर मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट को फाइंड ज्यादा जल्दी करने के लिए हम वो लेते हैं वो रो लेते हैं या वो कॉलम लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो कि ज्यादा 0 मौजूद हो तो आसानी से हमारा जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसने कहा कि एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया तो अंदर वाला ये वाला हमारे पास 3 बाय 3 का मैट्रिक बचेगा वो इन्होंने लिख दिया है। फिर जो कॉमन आता था उस सारे को इन्होंने कॉमन ले लिया, फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो -1 -2 और -1 को कॉमन लिया तीनों में से तो फिर हमारे पास जो है वो ये चीज बची थी। फिर यहाँ पे 1 था इसको 0 बनाया, यहाँ पे 7 था इसको डायरेक्ट भी इन दोनों को 0 अब बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि इनको पहले कॉमन ले। तो कॉमन नहीं भी लेना चाहते तो इट्स ओके, आप डायरेक्ट भी इसके ऊपर ऑपरेशन करके इनको यहाँ पे -2 को 0 बना सकते हैं, यहाँ पे -7 को बाय यूजिंग दिस -1 आप इनको माइनस बना सकते हैं।
इनको माइनस बनाने के बाद फिर आप फर्स्ट कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। उसके अलावा जो हमने एक और मेथड पढ़ा था वो ये था कि हम क्या करें, यहाँ पे सारे जीरो बना दे पहले, इधर जब जीरो बन जाए तो जो हमारे पास यहाँ पे इसका डायगोनल बनेगा उन सबको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो अगर आप उस तरीके से करना चाहें तो भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहें पहले एक मैट्रिक 3x3 का ले लें, 4x4 का अगर आ गया तो उसको फिर आप एक्सपेंड करें, उसके नीचे जीरो बनाएं तो फिर उसमें से 2x2 को निकलेगा, तो आप इस तरीके से भी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक का लिया है, तो इसी तरीके से इसने क्या किया है, इंटरचेंज पहले कर दिया R1 को और R2 को। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 था ना, तो एंट्री हमें क्या चाहिए थी, यहाँ पे 1 चाहिए थी, तो उसके नीचे फिर इसने 4 7 और जहाँ पे पहले ही 0 था 4 और 7 को 0 बना दिया है। फिर फर्स्ट कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड किया है तो यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक बना है। फिर इसको इसने एक्सपेंड किया 4 और 2 को, यहाँ से जो कॉमन आता था उसको कॉमन ना भी लें कॉमन तो ठीक है, आप 4 को भी डायरेक्ट 0 बना सकते हैं, 2 को भी डायरेक्ट 0 बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप ऐड करना चाहिए टाइम आपके पास है तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, इधर ऊपर आपके पास 2 था तो 1 आ जाएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पे 1 बना दिया आपने, फिर आप इस 2 को और इस 1 को आप 0 बना दें और देन आपके पास जो 2x2 का ये वाला मैट्रिक बचेगा इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसका आप डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सेम मतलब इसी तरीके से आगे मैंने आपको बताया कि जब दो रोज या दो कॉलम आपके पास इक्वल आ जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये अब आगे इस तरीके से इसने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। यहाँ पे एक एल्गोरिदम है कि किस तरीके से हम लोग जो ऊपर हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो किया है ना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, उसी तरीके से अब यहाँ पे इन्होंने स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में और स्टेप 5 में, ये 5 स्टेप है। वैसे तो ये पहले होने चाहिए कि इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने एग्जाम्पल्स करनी है, लेकिन इन्होंने पहले एग्जाम्पल सॉल्व किए और फिर स्टेप्स बताए, ये भी ठीक है। तो इनको भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजिंग चीज़ है थोड़ी, तो आप इनको मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से इसका भी डिटर्मिनेंट इन्होंने फाइंड किया है, -2 और -1 था, इन दोनों को पहले 0 बना लिया है, ये तो 3x3 का था तो इजीली इनको 0 बनाने के बाद इसको आप लेके इसका जो है वो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये एग्जांपल्स भी इसके जैसी है, यहाँ पे पहले 0 बना दिया है सबको, 0 बनाने के बाद जो इसका डायगोनल था उनको मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। तो इस लेक्चर में बस यही है सारा, मतलब सब डिटर्मिनेंट्स वगैरह ही फाइन, एक्सक्यूज मी, डिटर्मिनेंट्स वगैरह ही फाइन करने हैं। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद हेल्प के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।